बोलने को आमंत्रित किया है और अगर सदन विशेषतः विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट। इंडिया बिलीव्स इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी। एंड टुडे ऑफ ऑल द डेज पीपल लाइक यू नीड टू रिमेंबर व्हाट वाज टोल्ड टू द ब्रिटिश। क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, मेरिट नाउ फाइंड्स प्लेस इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की, अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकॉम्पिटेंस। यू आर नॉट इंडिया। एक मिनट माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। सदन में नारेबाजी करना तरीका ठीक नहीं है। प्लीज माननीय सदस्य बैठिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए, आपने अपनी बात कही है, ये तरीका ठीक नहीं है। नो गलत तरीका है आपका, नो गलत तरीका है आपका। स्मृति जी, पुनः कहती हूँ अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन ना पाए हो, मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है, पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महोदय कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूँ हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी
बैठकर मेज नहीं थपथपाते, कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की, ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय, ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन ली